Hello everyone, welcome to the Manu Law Classes in the session of Daily News Analysis. Today is 29th of June 2024. I am Naresh Sharma and going to discuss with you today's important current affairs. And first of all, we are going to discuss the previous day session with the help of MCQs, just to revise the previous day session with the help of MCQs. So first of all, we have the MCQ, that is, which article of the Constitution have provisions regarding the presidential address in the newly elected Lok Sabha. तो देखो, जब हम लास्ट डे सेशन डिस्कस करते हैं उसके बाद उस पर हम कुछ एमसीक्यूज या नॉर्मल क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस करते हैं, तो उसका बेसिस ये होता है कि आप भी अपने आप को टेस्ट कर सकें कि कल जो आपने रीड किया, कल जो आपने अंडरस्टैंड किया, हमारे साथ में डिस्कशन को जो है आपने ज्वाइन किया, तो आप कितना उसमें से रिटेन कर पाए। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा आर्टिकल है जो पार्लियामेंट में, जहाँ प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट को आफ्टर इलेक्शन ऑफ द न्यू इलेक्शन ऑफ द एवरी न्यू लोकसभा। सो इसमें ऑफ कोर्स आर्टिकल 87 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास में, कल हमने डिस्कस किया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो इशू है रिगार्डिंग टेररिज्म, और टेररिज्म को लेकर के कश्मीर वाला जो इशू है उसका हमने बैकग्राउंड बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो उसी को लेकर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, और उनमें से एक क्वेश्चन है शिमला एग्रीमेंट। बार बार यहाँ से देखो, क्वेश्चंस जब भी फ्रेम होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि शिमला एग्रीमेंट के बारे में कई बार पूछा गया है कि ये एग्रीमेंट क्या होता है। एक तो यहाँ पे पूछा जाता है कि ये कौन, किस किस के बीच में ये साइन हुआ था, मीन्स दोनों तरफ कौन कौन प्राइम मिनिस्टर थे फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम पाकिस्तान। सो इंडिया की तरफ से यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, और उधर थे जुल्फिकार अली भुट्टो। तो ये क्वेश्चन भी पहले पूछा गया है। प्लस ये पूछा जाता है कि जो शिमला एग्रीमेंट है वो किन कंट्रीज के बीच में था, तो इट वाज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और इसका कई बार ईयर भी पूछा गया है, तो दैट इज 1972। और इसी शिमला एग्रीमेंट को कई बार बोल दिया जाता है शिमला अकॉर्ड, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट स्पीकर, बिकॉज स्पीकर को लेकर के बहुत कुछ चल रहा है। बेसिक सा क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखें कि हमारी लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर कौन थे। हु वाज द प्रोटेम स्पीकर ऑफ 18th लोकसभा, बिकॉज अभी जो प्रोटेम स्पीकर बने इस 18th लोकसभा के एंड में नहीं, स्टार्टिंग में जब शपथ वगैरह उनको लेनी थी, बिकॉज इस पद को, इस पोस्ट को लेकर के बहुत सारा इश्यू रहा, तो आपको ये भी पता रखना होगा कि हु इज द प्रोटेम स्पीकर ऑफ द 18th लोकसभा। ये आप कमेंट में बताइए मुझे, बिकॉज मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। फिर यहाँ पर कश्मीर में मिलिटेंसी की बात हुई थी, तो आपको ये कमेंट में बताना है कि कश्मीर की मिलिटेंसी कब स्टार्ट हुई थी, कौन सा इसका पीरियड था। जैसे आप यूज कर सकते हैं कि 19 इतने से लेकर के इतने तक, आप एक फेज की फॉर्मेट में इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रहे क्वेश्चंस, बिकॉज कल बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं थे, हमने 2-3 टॉपिक ही डिस्कस किए थे, तो वहां से ये क्वेश्चंस फ्रेम किए। आज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, ज्यादातर न्यूज़पेपर्स में हम नीट के एग्जाम को लेकर के, पार्लियामेंट का जो सेशन स्टार्ट हो रहा है बस उसी को लेकर के चारों तरफ उसमें न्यूज है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। सो कुछ हमारे पास में पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे आज। फर्स्ट है, भले ही ये न्यूज के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, बट पूरी सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली फॉर यूथ। ये इशू क्या है, डेली मैन फॉल्स प्रे टू डेटिंग स्कैम, और उसको इतने लाख रुपए का चूना लग गया, 1.21 लाख का। मोस्टली केसेस में क्या हो रहा है कि जो यूथ है वो डेटिंग एप्स वगैरह का यूज करके, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या वो सब उस सिस्टम में आकर के डेटिंग के चक्कर में आते हैं। इस ऐप के थ्रू, मीन्स कोई ऐप है जिसके थ्रू एक लड़का था, उसने जो है डेटिंग पर जाना स्टार्ट किया और एक लड़की आई। अब देखो उसमें इश्यू क्या होता है, सारा का सारा सिस्टम मैं आपको समझाता हूँ। ये क्या करते हैं, डेटिंग पर किसी डेट पर आपको किसी को बुलाया जाएगा, आप किसी कैफे में जाएंगे, वहां पर हो सकता है वो आपसे कहे कि भाई आज मेरा बर्थडे है तो कुछ पार्टी वगैरह दो। आप वहां जाकर के उसमें पार्टी वगैरह करोगे, वो जो लड़की है अचानक से वहां से गायब हो जाएगी, भाग जाएगी, वहां से चली जाएगी कुछ भी इमरजेंसी बता करके। अब आप रह गए कहां पर, उस कैफे में रह गए, और जब वो वहां से लड़की चली जाएगी तो अब आपके आपकी टेबल पर आएगा आपका बिल। जब ये बिल आएगा तो बिल होगा 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, बड़ा तगड़ा सा बिल होगा। अब आप वहां पर बहस करेंगे,
आपको वहां पर पकड़ लिया जाता है, फिर मारपीट होती है, वो सब कुछ होता है और उससे जो पैसा होता है उसको छीन लिया जाता है या जबरदस्ती ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करवा लिया जाता है। सो इस बार दिल्ली पुलिस के हत्थे एक ऐसा ही सिस्टम चला और वो वहां पर पकड़े गए। ब्लैक मिरर करके कोई एक जो है कैफे था वहां पर उनके साथ में हुआ। तो दिल्ली पुलिस में इसमें यहाँ ये बताया कि देखो ये कोई नया स्कैम नहीं है और बहुत लंबे समय से चल रहा है और स्पेशली ये चलता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, ऐसे सिटीज में ये चल रहा है। तो आपको भी इससे क्या करना है, सेफ होकर के रहना है, ऐसे किसी चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने एग्जाम पर्पज की न्यूज पर। NTA रिफॉर्म पैनल कॉल्स फॉर द सजेशंस फ्रॉम स्टूडेंट्स पेरेंट्स टाइम टिल 7th of July। आप सबको पता होगा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये एक ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कि नेशनल लेवल पर एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है। अब हुआ क्या कि नीट का एग्जाम जो है उसमें इरेगुलरिटीज की बात आई, UGC नेट का एग्जाम हुआ वो फिर बाद में कैंसिल हुआ ड्यू टू इरेगुलरिटीज, और भी बहुत सारे एग्जाम्स पर ऐसे ब्लेम लगते रहते हैं। तो अब इस एग्जाम के पैटर्न को जो है सॉल्व करने के लिए उसमें ऐसी कुछ इरेगुलरिटीज ना हो, पेपर लीक ना हो, उसमें कुछ स्कैम ना हो, तो उसके लिए कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी उसकी एक स्टडी कर रही है। अब उसमें आपके मतलब का क्या है कि यदि आप भी इस प्रोसेस में कुछ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और मीन्स इस सिस्टम में बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक वेबसाइट है। आप जब इस वेबसाइट पर जाएंगे innovateindia.mygov.in, इस वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे पार्टिसिपेट कंट्रीब्यूट इन एग्जाम रिफॉर्म्स वगैरह में, उसमें तो वहां आप जा करके अपने सजेशंस को दे सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जाइए वहां पर कुछ अपने सजेशंस उसमें दीजिए, बिकॉज इंडिया का जो यूथ है उसके पास में बहुत सारे न्यू आइडियाज होते हैं, वो गवर्नमेंट के पास में जाने चाहिए जिससे कि एग्जाम्स में जो स्कैम्स होते हैं, जो पेपर लीक होता है, जो फ्रॉड होते हैं, उसको रोकने में हो सकता है आपका ही कोई आइडिया वर्क कर जाए। सो वी शुड बी ओपन विद माइंड दैट वी शुड एक्सेप्ट थिंग्स दैट कहीं से भी कोई बहुत अच्छा आइडिया आ सकता है, उसको वहां पे इनोवेट कर जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस वेबसाइट पर जा करके। बाकी आपको थोड़ा सा नॉलेज रखनी होगी NTA के बारे में, NTA क्या है वो हमने एक बार वीडियो में पहले भी बताया था, बाकी क्लास में भी हम इसको डिस्कस कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास में आर्टिकल है इंडिया अचीव्स आउटस्टैंडिंग आउटकम इन FATF इवैल्यूएशन। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका एक इवैल्यूएशन होता है, एवरी ईयर होता रहता है। इस बार इसकी जो प्लेनरी जो इसकी मीटिंग थी वो सिंगापुर में हुई। अब इसने कुछ जो है इंडिया के जो एक्शंस हैं फाइनेंशियल टेररिज्म के रिगार्डिंग में, मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग में, उसका रिव्यू किया। आपको पता होगा कि पाकिस्तान को इन्होंने ग्रे लिस्ट में डाला था, फिर बाद में ब्लैक लिस्ट के लिए, जैसे अफगानिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, नॉर्थ कोरिया को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। सो इंडिया का भी रिव्यू हुआ और उसमें से कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स निकल करके आए हैं और इंडिया के एक्शंस की इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ की है कि भाई इंडिया ने लास्ट 10 ईयर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म के लिए, जो फाइनेंशियल होती है उसको कंट्रोल करने के लिए। अब इसमें इस आर्टिकल में जितना भी था उसको मैंने कुछ की पॉइंट्स में समराइज किया है, वो हम देखते हैं। यहाँ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का ये कहना है कि भाई हमने जो इवैल्यूएशन किया है इंडिया ने उसमें आउटस्टैंडिंग आउटकम्स में परफॉर्म किया है 2023-24 के लिए जो एक इवैल्यूएशन हुआ था। समिट कहाँ पर हुई है इसकी, सिंगापुर में समिट हुई है और इसका FATF का फुल फॉर्म क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अगर आपको ध्यान हो तो इससे पहले भी इस पर कुछ न कुछ वीडियोस जो है हमारे लास्ट प्रीवियस सेशंस में आते रहे हैं। इन्होंने क्या कहा है कि द म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट, ये म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट की जब बात होती है तो बाकी जो अदर कंट्रीज हैं जो FATF के उसमें लिस्ट में आते हैं तो वो भी इसमें एक्चुअली एक दूसरे का इवैल्यूएशन करते हैं। इन्होंने ये कहा कि भाई सिंगापुर में जो अभी हमारी मीटिंग हुई थी 26 से 28 तक, कल तक ही इनकी मीटिंग चल रही थी, तो उसमें ये सब हुआ है। अगर वो पूछ ले कि FATF की लास्ट प्लेनरी या उसकी मीटिंग कहाँ पर हुई है जिसमें इंडिया को जो है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर की जो है फॉर्म में रखा है, उसको स्टेटस ये मिला है। फिर इंडिया को इन्होंने रखा है रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी में। ठीक है आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया बट
अभी भी हम आपको रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में रखते हैं कि आपका फॉलोअप करता रहेंगे, करते रहेंगे और इवेल्यूएशन आगे भी होता रहेगा। दिस सिग्निफाइज, अब इसका हमको क्या फायदा होगा, हालांकि ये जो फॉलोअप कैटेगरी में केवल 4 कंट्रीज को रखा है, इंडिया उसमें शामिल है, तो मींस इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। नेक्स्ट, उसमें दिस सिग्निफाइज हाई लेवल ऑफ कंप्लायंस एंड कमिटमेंट टू कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। जब इस लेवल में हम आए हैं तो इससे ये क्लियर होता है कि इंडिया ने बहुत ही ज्यादा मीन्स एक स्ट्रिक्ट लेवल पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म की फाइनेंसिंग पर काम किया है कि उसको हम रोक सकें। मनी लॉन्ड्रिंग में ही आपको पता होगा कि PMLA हमारे पास में एक्ट है और उसी केस के बेसिस में अरविंद केजरीवाल साहब वो भी जेल में है, ठीक है। और टेररिस्ट फाइनेंसिंग क्या होती है कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसको क्या मिलता है, इसी के थ्रू फंड मिलते हैं। तो इंडिया ने इस पर बहुत अच्छा एक्शन लिया है। कैसे कैसे इसमें एक्शन लिया है उसके बेसिस पर भी कुछ पॉइंट्स हैं। हाई लेवल ऑफ टेक्निकल कॉम्प्लायंस, जो FATF है वो कुछ सजेशंस देती है, टेक्निकल सजेशंस, तो इंडिया ने उन पर क्या दिखाया है, हाई लेवल ऑफ टेक्निकल कॉम्प्लायंस, मीन्स हमने FATF के द्वारा जो सजेशंस दिए गए थे उनको हमने एक्सेप्ट किया और उनका इम्प्लीमेंटेशन किया। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई इंडिया ने हाई लेवल का कॉम्प्लायंस किया है, प्लस इंडिया की जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, चाहे वो काउंटरिंग द फाइनेंस ऑफ टेररिज्म हो या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हो या काउंटरिंग जो प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग हो, इन सब में हमने बहुत अच्छा किया है। मीन्स एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के हमारे एक्शंस वो बहुत अच्छे रहे। काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, जो टेररिज्म है उसकी फंडिंग को हम कैसे रोकें, उस पर भी इंडिया ने बहुत अच्छे एक्शन लिए। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूँ जो कि की एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे हमने डीमोनेटाइजेशन किया था 2016 में, प्लस हमने बहुत सारा जो अपनी इकोनमी है उसमें डिजिटल ट्रांजेक्शन को बहुत ज्यादा प्रमोट किया है। तो जब ट्रांजेक्शन डिजिटल होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि रिसेंट टाइम में पेटीएम पेमेंट बैंक, उस पर भी एक्शन हुआ था। तो डिजिटल ट्रांजेक्शन में उसमें ये कोशिश की गई थी कि जो पेटीएम पेमेंट बैंक है, क्या उनके पास में जितने भी अकाउंट लोगों ने ओपन किए सबका रिकॉर्ड है कि नहीं, वो जब चीजें नहीं मिली तो उसको हम उसके अगेंस्ट में RBI ने एक्शन लिया। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं कि इंडिया ने बहुत अच्छे से एक्शंस लिए हैं। नेक्स्ट में हमारे पास में है फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड इफेक्टिव मेजर्स, मीन्स इंडिया ने अपने यहाँ तो काम किया है बहुत अच्छा, लेकिन हमने इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत अच्छे से एक्शंस लिए हैं। क्या क्या एक्शंस लिए हैं, इंटरनेशनल कोऑपरेशन अदर कंट्रीज के साथ में हमने बहुत अच्छा कोऑपरेशन किया है। कैसे कि एक्सेस टू बेनिफिशियल ओनरशिप इंफॉर्मेशन, कि जो फंड है, जो मनी है, किसकी है, उसका ओनर कौन है, अगर अदर कंट्रीज इसकी डिटेल मांगते हैं, FATF अगर इसकी डिटेल मांगती है तो इंडिया इजीली उसको शेयर करता है। इफेक्टिव यूज ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स होती हैं, जैसे इंडिया की भी है तो वो बहुत अच्छे से काम कर रही है, FIU जो है, और अदर कंट्रीज के साथ में मिल करके इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं और उनके अगेंस्ट में एक्शन लेते हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। फिर क्या है, असेट डेप्रिवेशन फ्रॉम क्रिमिनल्स, मीन्स इंडिया में ये एक्शन बहुत अच्छे लेवल पर हुआ है कि जिन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटीज के थ्रू बहुत सारा धन जो है अर्न किया, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी अर्न की, तो गवर्नमेंट ने उनकी प्रॉपर्टीज को सीज करने में बहुत अच्छा काम किया है। सो इंटरनेशनल लेवल पर हमारी जो इमेज है फाइनेंशियल टेररिज्म के अगेंस्ट में, मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट में, बहुत अच्छी इमेज हमारी बन करके आई है। सो इफेक्टिव ट्रांजिशन फ्रॉम द कैश बेस्ड टू अ डिजिटल इकोनॉमी, तो अब हम डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जो हमने मूव किया है, इसने भी हमारी इमेज को बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कि भाई आपने अच्छा तो किया बट एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, हमको कुछ एरियाज में इम्प्रूवमेंट भी करना होगा। अब वो क्या क्या इन्होंने बताए हैं कि एक तो हमको करना होगा इम्प्रूव्ड सुपरविजन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स, मीन्स हम प्रिवेंटिव मेजर पर वर्क करें कि एंड में आकर के जो चीजें हम उनको ठीक करें, रिपेयर करें, उससे अच्छा क्या करें, हम प्रिवेंटिव मेजर्स लें जिससे कि मनी लॉन्ड्रिंग हो ही नहीं। फिर कहते हैं कि डिलेज इन कंक्लूडिंग ML मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग प्रोसिक्यूशंस, इंडिया में ये एक्चुअल में बताना चाह रहे हैं कि तारीख पे तारीख पड़ती चली जाती है। सो एक्चुअली ये कह रहे हैं कि इंडिया में जब भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में किसी को अरेस्ट करें हम, या उस पर जो प्रोसिक्यूशन हो उसका केस चलता रहे, या टेररिज्म फाइनेंसिंग का केस हो,
वो उन पर हमारे यहाँ डिसीजन बहुत लंबे समय तक नहीं आते। ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई हमारे अपनी इसकी स्पीड को इंक्रीज करना होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, चाहे वो टेररिज्म फाइनेंसिंग के केसेस हैं, उनको स्पीड में हमें रिजॉल्व करना होगा, जल्दी से जल्दी उन पर जजमेंट आना होगा। द नीड टू एंश्योर सीएफटी मेजर्स इन नॉन प्रॉफिट सेक्टर, प्लस ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे एनजीओज होते हैं इंटरनेशनल लेवल के आकर के अपनी ब्रांचेज ओपन कर लेते हैं, या बहुत सारे छोटे छोटे एनजीओज होते हैं, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह बन जाती हैं छोटे छोटे लेवल पर। तो बोला वो जो फाइनेंसिंग करते हैं, जैसे इंडिया में कई बार इश्यू उठता है कि हमारे यहाँ अरबियन कंट्रीज से जिहाद के नाम पर बहुत सारी फंडिंग होती है छोटे 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 ऑर्गेनाइजेशन को, तो बोला हमें उसको भी क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा कि वो पैसा घूम फिर करके टेररिस्ट तक ना पहुंचे। फिर कहते हैं कि रिकॉग्निशन ऑफ एफर्ट्स, बोला आपने बाकी बहुत अच्छा किया है भाई, इंडिया ने आपके एफर्ट्स को हम रिकॉग्नाइज करते हैं और आपने बहुत अच्छा काम किया, चाहे वो करप्शन का हो, चाहे वो फ्रॉड का हो, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हो, इसमें भी इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है। और ये जो इन्होंने अपना ये जो रिजल्ट दिया है, इसमें इन्होंने एनालिसिस किया है लास्ट 10 ईयर्स का, लास्ट 10 ईयर्स में हमने कितना इंप्रूवमेंट किया। 10 ईयर्स का मतलब यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, ये डिकेड के बेसिस पर भी एनालिसिस करते हैं, डिकेड के फॉर्मेट में, मीन्स 10 ईयर्स 10 ईयर्स 10 ईयर्स, मीन्स नेक्स्ट टाइम जब करें तो हो सकता है नेक्स्ट 10 ईयर्स का जब जो है इवेल्यूशन करें तो उसके बेसिस पर फिर ये होता है, बिकॉज 1 ईयर में बहुत कुछ चेंज हो नहीं पाता है इतनी बड़ी कंट्री में। सो ये तो था FATF ने जो हमको इवेल्यूशन हमारा किया और उसमें हमको जो कुछ भी जो है रेटिंग्स दी। नेक्स्ट है कि डेप्यूटी NSA विक्रम मिश्री, मीन्स ये एक्चुअल में क्या थे, डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अभी हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, अजीत डोवाल साहब। सो ये थे डेप्यूटी NSA और अब ये क्या बनाए गए हैं, अब इनको बनाया गया है फॉरेन सेक्रेटरी, मीन्स एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए एक बड़ा पद होता है, बहुत बड़ी पोस्ट होती है ये, है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि अब हमारे जो नेशनल सेक्रेटरी जो सॉरी सेक्रेटरी फॉर फॉरेन अफेयर्स जो है वो कौन है हमारे, ये है विक्रम मिश्री और ये इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं। तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि हु इज द करंट सेक्रेटरी फॉर फॉरेन अफेयर्स या फॉरेन सेक्रेटरी कौन है। सो आज बहुत ज्यादा न्यूज हमारे पास में नहीं थी, न्यूज पेपर में उतना इंपॉर्टेंट चीजें नहीं थी, तो इसलिए आज हमने 2-3 आर्टिकल्स को ही डिस्कस किया है। कल हो सकता है या मीन्स नेक्स्ट सेशन में ज्यादा और अच्छे आर्टिकल्स आए तो उनको हम डिस्कस करेंगे। सो आज के सेशन में इतना ही, कल फिर मिलते हैं अनदर सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।